गाड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड है, तभी तो महिंद्रा वालों ने स्कॉर्पियो क्लासिक करके अलग से इसको लॉन्च किया था। चलेगा कि वो क्या चीज ले रहे हैं और क्या, देखो फोन पे सिर्फ मैं उनको प्राइस बता सकता हूँ, कितने किलोमीटर चली है ये बता सकता हूँ, जब तक वो यहाँ पे आके टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे, गाड़ी चलाएंगे नहीं, फिजिकली प्रेजेंटली देखेंगे नहीं, तब तक उनको क्या पता लगेगा और वो क्या ले रहे हैं। गाड़ी की कीमत आपको पता ही, ऑटोमेटिक क्रेटा फुल टॉप डीजल में आई थिंक 22.5 लाख की, बिल्कुल, तो ये आपको मिल जाएगी कोई 15.5। इस कंडीशन की गाड़ियां जो होंगी वो आपको विक्टोरिया कार हब से ही देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ दे, मेरे पास आप डाउन पेमेंट 10 से 15% से 20% आप डाउन पेमेंट लाएं गाड़ी की कीमत के हिसाब से, अगर आपका सिबिल स्कोर का जो कलर कॉम्बिनेशन, नई गाड़ी ये 950 की है, ठीक है, कोई आपको मैं दे दूंगा 535। ये है आपकी किया सोनेट डीजल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में है ये गाड़ी, जो सबसे सही प्रोडक्ट है वो ये है जीप कंपस। गाड़ी आप देख लो पूरी गाड़ी एक बार सर की जितनी भी जिम्मेवारी वो हमारी होती है, ट्रांसफर आप, ये आपको मिल जाएगी 4,80,000, 4,80,000। बाकी आप मार्केट में भी डीजल है कम कर सकते हो। एक बार हमारे पास ना ओल्ड जनरेशन की क्रेटा, बट इस क्रेटा की ना बहुत ज्यादा डिमांड आती है, क्या आप ये है 2020 मॉडल, ठीक है ये मैं आपको दे दूंगा 4,80,000 की, 24,000 किलोमीटर चली हुई है। ये है 2019 मॉडल, ठीक है, गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, रनिंग है ये गाड़ी, चली 44,000 सीसी है, 1,000 सीसी है। ये मैं आपको गाड़ी दे दूंगा 2,80,000, 2015 मॉडल, फुल टॉप W10, गाड़ी चली है ये नियर अबाउट 74,000। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश और स्वागत है आपका आज की अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, बिकॉज काफी देर के बाद वीडियो आ रही है और उसके बड़े सारे रीजन है, थोड़े अपने कामों में बिजी थे। एंड जिस कार बाजार की हम वीडियो बनाने वाले हैं ना आज की वीडियो में, जिस कार बाजार का हम आपको स्टॉक दिखाने वाले हैं, उसकी भी वीडियो काफ़ी देर के बाद आने वाली है। और आप लोगों की बड़ी ज़्यादा क्वेरीज आती थी कि भाई विक्टोरिया कार हब की वीडियोस में जो स्टॉक होता है वो काफ़ी शानदार रहता है और काफ़ी वेल मेंटेन रहता है, तो उस स्टॉक का अपडेट हमें दीजिए। तो आज बिकी भैया से हम आपको मिलाते हैं, एज यूजुअल विक्टोरिया कार बाजार के ऑनर हैं। और बिकी भैया, काफ़ी देर के बाद वीडियो आ रही है आपकी। हाँ, बहुत गाँव गुम हो गए थे, इधरी गाँव घूम गया, थोड़ा ना रोड का काम लगा हुआ है उसकी वजह से थोड़ा बहुत हाँ डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब रहता है क्योंकि खड़े गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती यहाँ पे। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में काफी बढ़िया सा लाइनअप, नहीं अभी हमने शोरूम के बिल्कुल बैक साइड में शोरूम लिया है, सारी गाड़ी अब वहाँ पे लगी है, नेक्स्ट वीडियो अभी वहाँ पे बनाएंगे, आपको शोरूम भी दिखा देंगे। हाँ, अभी क्या है जो लाइनअप है ये सड़क के साइड पे ही है ना, ये हमने अभी वीडियो के लिए रखा हुआ है और इसके बाद हम जाएंगे इनके स्टॉक यार्ड में ना। हाँ, बिल्कुल, जो नया शोरूम बन रहा है तो उसकी भी लोकेशन हम आपको बता देंगे कहाँ से। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा देखिए भैया हम स्टॉक की तरफ चलते हैं, कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? ये क्रेटा से स्टार्ट करते हैं। क्या बात है भाई, ब्रांड न्यू कंडीशन में क्रेटा आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और बिकी भैया कौन सा मॉडल है? ये 2021 मॉडल है, ठीक है, फुल टॉप डीजल में है। अच्छा, डीजल में और ऑटोमेटिक है। क्या बात है, एक बार मैं कैमरामैन को बोलूंगा आप इंटीरियर से दिखा दो, थोड़ा हम जल्दी कोशिश करेंगे। टायर और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू डलाए, बिल्कुल टायर वगैरह आप चेकआउट डला के गाड़ी खड़ी की है, टायर चारों। क्या रनिंग है बिकी भैया इसकी? ये चलिए नियर अबाउट 70,000। बाकी इंटीरियर से आप चेकआउट कर लो भाई, गाड़ी की कंडीशन देखिए। नई गाड़ी की कीमत आपको पता ही, ऑटोमेटिक क्रेटा फुल टॉप डीजल में आई थिंक कोई 22.5 लाख की, बिल्कुल, तो ये आपको मिल जाएगी कोई 15.5 की। हाँ। और भाई गाड़ी की कंडीशन आप देखो, देख लो आप पूरी गाड़ी देख लो। और बिकी भैया इसमें पूरी ओरिजिनल एयरबैग्स आते हैं ना? हाँ जी, फुल टॉप, ये अब वेंटिलेटेड सीट्स हैं और पैनोरामिक सनरूफ है, सनरूफ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और गाड़ी काफी शानदार, गाड़ी पूरी, हाँ पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। अभी भाई आप आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी करते हैं कोशिश कि बाइंड अप करें, बिकॉज सिंगल विक्टोरिया कार बाजार की ना एक खासियत क्या है कि स्टॉक वेल मेंटेन रहता है और स्टॉक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आगे वैगनर है 2015 मॉडल, ठीक है जी, ये आपको मैं दे दूंगा 3,10,000 की, 2015 गाड़ी चली 45,000 किलोमीटर, 15 VXI। और कैमरामैन जल्दी आ जाओ यार, मैं आपको इंटीरियर से दिखा देता हूँ भाई, चेकआउट करो। इस कंडीशन की गाड़ियाँ जो होंगी वो आपको विक्टोरिया कार हब से ही देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, अब भाई देखो हर एक गाड़ी पे आपको नेगोशिएशन जो होगी वो मिल जाएगी। बिकी भैया फाइनेंस की फैसिलिटी? फाइनेंस आपको कोई, मेरे पास 4-5 बैंक हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। क्या बात है, ICICI बैंक है, AU बैंक है, यस बैंक है। बढ़िया,
अब ग्रैंड आई10 की तरफ, ये ग्रैंड आई10 है, नियोस है, ठीक है, स्पोर्ट्स मॉडल है, गाड़ी अंदर से देख लीजिए एक बार, इस गाड़ी को आप इंटीरियर से देखो, सीट कवर्स का जो कलर कॉम्बिनेशन, नई गाड़ी ये 950 की है, ठीक है, कोई आपको मैं दे दूंगा 535 9.5 की नहीं है, आप कंफर्म कर सकते हो शोरूम में इतने की, और हमें कितने की मिली, 5,35,000 की ऑटोमेटिक है, क्या बात है, पेट्रोल है, ट्रांसमिशन हाँ। में नहीं मिलेगी कहीं पे, स्पोर्ट्स मॉडल गाड़ी है हाँ, और वो आप कंडीशन आप चेकआउट करो यार, गाड़ियां सब भी बढ़िया कंडीशन में है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अब i20 की तरफ, कौन सा मॉडल है ये है 2020 मॉडल, ठीक है जी, ठीक है, ये पेट्रोल वर्जन है, ये भी स्पोर्ट्स मॉडल है, गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, स्क्रैचलेस गाड़ी है, कितनी चली है, ऑलमोस्ट ओरिजिनल गाड़ी है, सिर्फ एक बंपर एक टचिंग है, कोई बात नहीं, कितनी चली हुई गाड़ी, ये चली 64,000, क्या डिमांड रहेगी, ये आपको मिल जाएगी 6,35,000, कौन सा मॉडल है, 2020, क्या बात है भाई, बड़े इफेक्टिव रेट जो है वो आज की डेट में आपको विक्टोरिया कार हब की आप गाड़ी देख लो, आप एक बार गाड़ी को चेकआउट कर लो, जितनी भी मैंने आपको अभी ये गाड़ी दिखाई है सारी स्क्रैचलेस है, टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, इंश्योरेंस ऑलमोस्ट सभी की पड़ी हुई है, मतलब डॉक्यूमेंट सारे सब कम्प्लीट है, जल्दी आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं, ये है आपकी किया सोनेट डीजल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में है हाँ। और डीजल और ऑटोमेटिक ये गाड़ी, ये 1.5 लीटर है, ये इंजन क्रेटा में भी यही है, सोनेट में भी है, सेल्टॉस में भी यही है, रेन्यू में भी यही है, सेम इंजन है, ह्युंडई करना में हाँ, सिस्टर कंसर्न कंपनी है किया, तो ये आप जहाँ से चेकआउट कर लो भाई, गाड़ी की कंडीशन ऑल ओरिजिनल कंडीशन में ये गाड़ी रहने वाली है, क्या डिमांड है, ये आपको मैं दूंगा लास्ट कोई 10,20,000 की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल में, कितनी रनिंग थी ये, चलिए 45,000 भाई, एक काम करना आप, आज की वीडियो में ना आपको रेट्स इतने इफेक्टिव में दिखाने वाला हूँ, आप एक बार ना शोरूम में पता करना कि करंट डेट में ये गाड़ियाँ कितने की पड़ी, और आज इधर आ जाना, काफी इफेक्टिव प्राइसेज है, और आगे बढ़ते हैं हम डिजायर की तरफ, ये डिजायर 2017 मॉडल है, गाड़ी आप चेक कर लो, टायर चेक कर लो भाई साहब, इधर देखो एक बार, यहाँ से चेकआउट करो, ब्रांड न्यू कंडीशन, योकोहामा के टायर, योकोहामा के टायर मिल जाएंगे, बिकवे क्या रनिंग है, 48,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, डिजायर गाड़ी है, डॉक्यूमेंट सारे ओके है हाँ। भाई टच पैनल देखो अंदर कितना आफ्टर मार्केट है, बट इंटीग्रेशन देखो कितनी बढ़िया है इसकी, और मतलब हर एक चीज जो है वो आपको इस गाड़ी में देखने को, 5,25,000 की, 5,25,000 की, मॉडल कौन सा बताया, 2017 भाई साहब, इसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएशन रहेगा हाँ बिल्कुल कर देंगे, आगे बढ़ते हैं भाई, स्कॉर्पियो इस गाड़ी का भी कुछ अलग रुतबा है, और इस गाड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड है, तभी तो महिंद्रा वालों ने स्कॉर्पियो क्लासिक करके अलग से इसको लॉन्च किया था, बिकवे कौन सा मॉडल है, 2019 टॉप ऑफ द लाइन पे रेट है ना, और ये कुछ आप इंटीरियर से एक बार चेकआउट कर लो यार, गाड़ी बढ़िया शानदार और नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये गाड़ी है, बिकवे क्या डिमांड है, 13,00,000 की, 2019 मॉडल है, S11 है, 13,00,000 की मिल रही है, और इसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन आपको मिल जाएगा, और बाकी ना आप मार्केट में घूम लेना एक बार, ये जो ये इस वक्त सबसे बढ़िया गाड़ी, जो सबसे सही प्रोडक्ट है वो ये है, जीप कंपस गाड़ी, आप देख लो पूरी गाड़ी एक बार चक्कर मार लो, पेट्रोल का वेरिएंट है डीजल का, ये डीजल है, फुल टॉप है, क्या बात है भाई, गाड़ी चेक आउट करो एक बार, कैमरामैन को मैं बुलाना चाहूंगा भाई, आप एक बार ये गाड़ी चेक करो, हर एक जगह यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा भाई, डैशबोर्ड पे फुल टॉप मॉडल है, नहीं आज की डेट में कोई 31-32 लाख की, ठीक है जी, टॉप एंड मॉडल जो अभी आ रहा है, बेशक शेप चेंज है, ठीक है, बट इंजन सबका सेम है, ऑलमोस्ट इंटीरियर स्पेसिफिकेशन सेम है, थोड़ा बहुत और यहाँ से आप एक बार पैनोरमिक सनरूफ में कैमरामैन को बोलूंगा एक बार दिखा दो, क्या डिमांड है इसकी, ये आपको मैं गाड़ी दे दूंगा 13,50,000, 13,50,000 की, काफी बढ़िया प्राइस, 19 मॉडल गाड़ी है, क्या बात है, 18 दिसंबर की, सॉरी, क्या बात है, और बढ़िया और शानदार कंडीशन की गाड़ी, नेक्स्ट गाड़ी होंडा सिटी 2017 मॉडल, ठीक है जी, गाड़ी अब चेक कर लें, चारों टायर नए डलाए हैं, फ्रेश डला की गाड़ी, टायर चेक करो, टायर चेक आउट करो, जितनी भी गाड़ी हमने आपको दिखाई है ना सभी के सभी टायर नए, इंटीरियर चेक कर लें, मैटिंग वगैरह मैटिंग सीट कवर, ये 2017 न्यू कंडीशन बना दी है, 2017 मॉडल है ये आपका, 65,000 चली हुई है मेरी, पेट्रोल की है हाँ, पेट्रोल है, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगी 650 की, 650 वी मॉडल है, ठीक है, टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है, बट गाड़ी की कंडीशन, गाड़ी की कंडीशन देखो बहुत बढ़िया, अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, नेक्स्ट गाड़ी जो है वो ये डस्टर 2015 मॉडल है, ठीक है, ये गाड़ी नियर अबाउट 72,000 किलोमीटर चली हुई है, गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी के एक्सटीरियर से आप चेकआउट कर लो भाई, बिल्कुल मतलब 15 मॉडल के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल बढ़िया और शानदार कंडीशन में आपको मिलने वाली है,
एक रुपए का भी आपको खर्चा जो होगा वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, इवन की इस गाड़ी पे नहीं, जितनी भी गाड़ी आप यहाँ से, ये आपको मिल जाएगी 480,000, 480,000। बाकी आप मार्केट में भी डीजल कम कर सकते हो। एक बार मैं आपको इंटीरियर से दिखा देता हूँ भाई, डस्टर यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अपने कंफर्ट के लिए डस्टर जो है वो जानी जाती है। और वीडियो की शुरुआत जो हमने करी थी वो क्रेटा से करी थी, न्यू जनरेशन की थी वो। अब हमारे पास ना ओल्ड जनरेशन की क्रेटा, बट इस क्रेटा की ना बहुत ज्यादा डिमांड आती है। क्या पिकअप है ये? 2020 मॉडल है, ठीक है, 48,000 किलोमीटर चली हुई है, 1.4 का टॉप मॉडल है, व्हाइट कलर की गाड़ी है। ओके। गाड़ी आप चेक कर सकते हैं भाई, गाड़ी शानदार कंडीशन की है, स्क्रैचलेस गाड़ी है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टायर्स आप चेकआउट कर लेना, मेरा यकीन नहीं होता आप एक बार विक्टोरिया कार हब में विजिट कर लेना, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो सभी गाड़ियों को। और ये क्रेटा थी, क्या डिमांड है इसकी भैया? ये आपको गाड़ी मिल, मैं दे दूंगा 9,85,000। तो एक बार मैं आपको इंटीरियर से दिखा देता हूँ, यहाँ से आप चेकआउट कर लो। ये वेरिएंट कौन सा है? EX? ये 1.4 कट एस मॉडल जो टॉप है। क्या बात है, माइलेज इसकी नियर अबाउट हाईवे पे 2013 मॉडल है, आस्था ऑप्शनल फुल टॉप मॉडल है। 41,000 किलोमीटर चली हुई है, पेट्रोल है, गाड़ी आप चेक कर सकते हैं। प्राइस रहेगा इसका 3,25,000। भाई साहब प्राइस, एक मिनट, इंटीरियर में जाने से पहले आप टायर्स पे नजर मारो भाई, जहाँ पे भी जाओगे, जिस गाड़ी पे भी जाओगे, ब्रांड न्यू का टायर्स आपको मिलने वाले। आप चलो इंटीरियर में, और यहाँ से आप एक बार गाड़ी को चेकआउट करो भाई, है ना शानदार कंडीशन की ये भी गाड़ी, मैटिंग, सीट कवर प्रॉपर आपको यहाँ पे इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। और इंटीरियर से भी गाड़ी जो है नीट एंड क्लीन कंडीशन में आपको यहाँ पे, मतलब एक रुपये का काम नहीं करवाने की जरूरत है आपको यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जो है हम स्टॉक यार्ड पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ गाड़ी इन्होंने लगा के रखी है, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे यही विक्टोरिया कार हब का जो है मेन ऑफिस रहने वाला है, वो यही रहेगा, वो यही रहेगा ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क जो रोड के रोड पे चल रही है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे पहली हमारे पास, ये 2020 मॉडल है, ठीक है, डीजल पेट्रोल पेट्रोल फुल टॉप मॉडल है, फुल टॉप। हाँ, यहाँ से आप चेकआउट कर लो भाई, फ्रंट से ये गाड़ी के लुक वगैरह, गाड़ी बढ़िया कंडीशन, गाड़ी चली है 50,000, टॉप एंड मॉडल है, ठीक है। ये मैं आपको दे दूंगा पूरे 8,00,000 8,00,000। आज की डेट में हम नेक्सन लेने जाते हैं तो कितने की पड़ती है? 13,500। क्या बात है, मतलब अच्छा खासा 5,50,000 रुपए का, 50,000 चली हुई है, गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है, नीट एंड ओरिजिनल गाड़ी है, ठीक है, टॉप एंड मॉडल है, 8,00,000 में आपको गाड़ी दे दूंगा। क्या बात है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं भाई एक और गाड़ी की तरफ जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, वो है मारुति सुजुकी की। ये है 2020 मॉडल, ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा 4,80,000 की, 24,000 किलोमीटर चली हुई है। सीधा आगे बढ़ते हैं अब बलिनो की तरफ, तो बलिनो का ये कौन सा मॉडल है? बलिनो ये 2020 मॉडल, ठीक है, ठीक है, ये चलिए कोई 44,000 किलोमीटर, डेल्टा मॉडल है गाड़ी, अब एक बार अंदर से चेक कर सकते हैं, कैमरामैन को बोलो, ठीक है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है ये, मैं आपको लास्ट आपको गाड़ी दे दूंगा 650 की। 650 की, तो कौन सा मॉडल बताया आपने? 2020। और एक बार आप इंटीरियर से चेकआउट करो, बढ़िया शानदार कंडीशन में, सीट कवर मैटिंग वगैरह प्रॉपर आपको हर एक चीज जो होगी वो बलिनो में देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट गाड़ी अल्टो है 800, ये है 2019 मॉडल, ठीक है, गाड़ी आप चेक कर सकते हैं जी, कितने रनिंग है इसकी? ये गाड़ी चली 44,000 44,000, दाम बताओ उसका। ये मिल जाएगी आपको 3,50,000 बाकी गाड़ी जो है स्क्रैचलेस, स्क्रैचलेस गाड़ी आप चेक कर सकते हैं। और इंटीरियर से भी आप देख सकते हैं 2020 मॉडल, ठीक है, VXI 64,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ये मैं आपको दे दूंगा 5,90,000 की गाड़ी, व्हाइट कलर में, अच्छी कंडीशन में। कैमरामैन को बोल दो थोड़ा जल्दी आ जाए, मौसम खराब हो रहा है। तो अगली गाड़ी जो है ये रेनॉल्ट की क्विड 2019 मॉडल है, ठीक है, 19 मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड 20 है, ये 0.8 है, हाँ ये 1000 सीसी है, अच्छा 1000 सीसी है, ये मैं आपको गाड़ी दे दूंगा 2,80,000 की, 2,80,000 गाड़ी आप चेकआउट करो भाई, अच्छी कंडीशन में है ये भी। और चलिए अब कुछ और गाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं, ये गाड़ी जो है वो है हमारे पास XUV 5W, बिगवे क्या डिटेल्स है इसकी? ये है 2015 मॉडल फुल टॉप W10, ओके, गाड़ी चली है ये नियर अबाउट 74,000, गाड़ी मैं आपको दे दूंगा पूरे 7,10,000 की। क्या बात है भाई, प्राइस तो आपने सुन लिया, बाकी एक बार फुल टॉप मॉडल है, सनरूफ है, सब कुछ है, 70,000 गाड़ी चली हुई है, गाड़ी आप चेक कर सकते हैं भाई, पडल लेंस ये चीजें ना ये देख के बनती है,
आपको गाड़ी जो है अंदर लगी है ना शोरूम के, तो अभी पता लग रहा है भाई यहाँ से चेकआउट करो। अच्छी कंडीशन में, शानदार और साफ सुथरी कंडीशन में ये भी गाड़ी आपको विक्टोरिया कार हब से मिलने वाली है। विक्टोरिया कार हब के ऑनर का नंबर ना, यानी बिकी जी का नंबर स्क्रीन के नीचे, आप उनको कॉल कर सकते हो किसी भी गाड़ी की क्वारी के लिए। तो दोस्तों स्टॉक, आई होप आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो स्टॉक तो आपने पूरा चेकआउट कर लिया होगा। हर बार की तरह बेहतरीन स्टॉक मिलता है, वेल मेंटेन स्टॉक मिलता है। मतलब आप जब यहाँ से गाड़ी लोगे ना, मेरी गारंटी पे ले सकते हो कि यहाँ पे आपको एक रुपए का भी काम नहीं करवाने की जरूरत है। बाकी टायर्स वगैरह तो पहले आपको दिखाई दो, मेन चीजें होती दिखाने वाली। ठीक भैया, अब दो चार चीजें हैं जिस पे क्वेरीज रहती है मैक्सिमम कस्टमर्स की, फाइनेंस की फैसिलिटी और डॉक्यूमेंट्स। पहले तो फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस मेरे पास कम से कम वो चार और पाँच बैंक अवेलेबल है। ठीक है, यस बैंक है, यू बैंक है, ठीक है, आपका महिंद्रा बैंक है, श्री राम है, आपका तो एक्सिस भी आ गया, ठीक है, आईसीसी बैंक हो गया, ठीक है। बाकी कस्टमर की चॉइस है, अगर वो जेके बैंक से करवाना चाहता है तो वो वहाँ से भी करा सकता है, ये उनकी चॉइस है। ठीक है, मेरे पास आप डाउन पेमेंट 10 से 15 से 20% आप डाउन पेमेंट लाएं गाड़ी की कीमत के हिसाब से, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है। क्या बात है, मतलब तब तो बहुत ही मिनिमम सी डाउन पेमेंट, अगर 10 लाख की गाड़ी है 20% मार्जिन में नहीं दें तो, अगर आपका सिबिल अच्छा है तो मैं आपका लोन करवा दूँ। कितने टाइम लग जाता है प्रोसेस में? 3 दिन। 3 दिन में? ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट देखो, अगर आप कस्टमर अगर डॉक्यूमेंटेशन लेट करेगा फिर टाइम लगेगा, अदरवाइज अगर उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। एक लोन के प्रोसेस के लिए इनिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट? देखो पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका 6 महीने की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बस। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय हैं तो सैलरी स्लिप, बस ये चीज़ें हैं। अगर आपकी कोई भी गाड़ी आपको पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि बैंक से लोन लेना या कुछ लोन फैसिलिटी अवेल करना, आप बिकी भैया को उनके नंबर पे जो नंबर स्क्रीन के नीचे दे रखा है वहाँ पे उनको ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप, बाकी ट्रांसफर की जितनी भी जिम्मेवारी वो हमारी होती है, ट्रांसफर आप करवा के देना हमारा काम है, उसकी एक फीस है, जो फीस होगी वो आपने देनी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स की कोई चिंता करने की। हाँ जी, एंड आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखे तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ना आप शेयर जरूर करें, बिकॉज हो सकता है आपके एक शेयर से ना किसी जरूरतमंद बंदे के पास ये वीडियो पहुँच जाए तो उसे भी गाड़ी लेने में आसानी हो जाए। और बाकी ना बड़ी सारी क्वेरीज आती है प्राइस नेगोशिएशन के रिगार्डिंग ना, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ यार, प्राइस जो होता है ना वो टेलीफोनिकली डिस्कस नहीं होता, जो नेगोशिएशन होती है प्राइस में। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी वीडियो अपडेट होती है तो लोग टेलीफोनिक कॉल करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं सभी कस्टमर को यही बोलता हूँ कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको यही बोलता हूँ, चलो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो ठीक है, वो उनका उनके सवाल है, जवाब देना हमारा फर्ज है, राइट है। पर मेरा ये कहना है कि जब तक आप वो गाड़ी फिजिकली नहीं देखेंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि वो क्या चीज़ ले रहे हैं। और क्या देखो, फोन पे मैं उनको प्राइस बता सकता हूँ, कितने किलोमीटर चली है ये बता सकता हूँ, जब तक वो यहाँ पे आके टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे, गाड़ी चलाएंगे नहीं, फिजिकली प्रेजेंटली देखेंगे नहीं, तब तक उनको क्या पता लगेगा और वो क्या ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि आप विक्टोरिया कार अब आए विजिट करें, एड्रेस मेरा बिल्कुल ऑपोजिट रॉयल इनफील्ड के शोरूम के बिल्कुल सामने है। बिल्कुल, तो ये जो सैनिक लोनी बाईपास में रॉयल इनफील्ड का शोरूम है उसके बिल्कुल ऑपोजिट विक्टोरिया कार, आप कभी भी आए विजिट करें, गाड़ियाँ देखें। और ये बिल्कुल सही चीज बोली, देखो आपने गाड़ी खाली वीडियो में देखते हैं, हमारा तो काम होता है कि वीडियो बनाना, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी सी अच्छी गाड़ी हम वीडियो में दिखा पाए, लेकिन फिर भी जब पैसा आपने इन्वेस्ट करना है ना, सबसे जरूरी रहता है पहले गाड़ी को फिजिकली आके यहाँ पे चेकआउट करें, उसके बाद नेगोशिएशन की बात करनी। तो लोग क्या कहते हैं, फोन पे नेगोशिएशन करते हैं, बाद में उनका माइंड बनता है कि नहीं बनता है ना, जब तक आप विजिट नहीं करेंगे तब तक कुछ। हाँ, तो ये चीज को थोड़ा अवॉइड करें, यहाँ पे आके विजिट करके जो भी है। बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड बिकी भैया का थैंक यू करते हैं, और आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे इसी तरह से किसी न्यू लोकेशन पे किसी न्यू वीडियो से।